हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट जॉब सपोर्ट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रेंटिसशिप का ऑनलाइन एग्ज़ाम जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कैसे करें, पास करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और क्वेश्चंस के लेवल और क्वेश्चंस के पैटर्न, इन सारी बातों की जानकारी आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट जॉब सपोर्ट पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का बटन इसे दबा दीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप अपने सीनियर फ्रेंड्स से पता कर सकते हैं कि अप्रेंटिसशिप की ट्रेड थ्योरी का ऑनलाइन एग्ज़ाम बिना पढ़े पास होना नामुमकिन सा होता है। इस एग्ज़ाम में आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके ITI NCVT ट्रेड थ्योरी के सिलेबस से होता है और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स कैरी करते हैं। और इस एग्ज़ाम में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मिनिमम 40 मार्क्स पास करने के लिए लाना होता है, इसलिए आपको मिनिमम 20 क्वेश्चंस के जवाब सही देने होते हैं। अगर आपकी तैयारी सही से नहीं हो तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन भी सही से एग्ज़ाम हॉल में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं और क्वेश्चंस का पैटर्न रेलवे ALP या ग्रुप सी टेक्निकल लेवल का होता है। इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप पिछले सभी सेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जानकारी आप अपने सीनियर से कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके सीनियर हैं वो पिछले सेशन में एग्जाम दे चुके हैं, उनसे आप मिलिए और क्वेश्चंस के पैटर्न को बारीकी से समझिए। वो आपको अच्छी तरह से गाइडलाइन करेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं और आपके ट्रेड थ्योरी से कहाँ से किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। आप अपने ट्रेड थ्योरी के बुक के प्रत्येक चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करें। आप अपने ट्रेड थ्योरी के बुक को अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, और जो एवरेज चैप्टर है उस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चंस जरूर होंगे। इसीलिए आपको प्रत्येक चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आपके पास परीक्षा के लिए 2 से 3 महीने का समय है तो आप अपने बुक के प्रत्येक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर के बुक के लाइन से ही निकाल के दे देते हैं। अब बात करें कि पढ़ाई कैसे करें। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट ज़्यादातर किसी न किसी काम में ट्रेनिंग के बाद व्यस्त हो जाते हैं, तो सवाल उठता है कि अब उन्हें पढ़ाई कब करनी चाहिए। इसीलिए आपको पढ़ाई खुद से करना है और समय निकाल के आप सुबह के टाइम में 5 बजे से 7 बजे तक के समय में आप पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर शाम में आप 8 बजे के बाद 1 घंटा पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास एग्ज़ाम के लिए 2 महीने का समय है या 3 महीने का समय बचा हुआ है तो आप 1 घंटा से 2 घंटा अगर आप प्रत्येक दिन पढ़ाई करेंगे आप अपने ट्रेड थ्योरी के बुक को, तो डेफिनेटली आप पास कर जाएंगे एग्ज़ाम को। तो दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, बिना पढ़े आप एग्ज़ाम नहीं पास कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप का CVT एग्ज़ाम का क्वेश्चंस का पैटर्न काफ़ी स्टैंडर्ड होता है, इसलिए आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके स्टूडेंट सर्कल फ्रेंड्स लोग के साथ अगर आप ग्रुप डिस्कशन करने में काबिल हैं, आप स्टूडेंट लोग के साथ रहते हैं, तो आप ग्रुप डिस्कशन आप अपने ट्रेड थ्योरी के प्रत्येक चैप्टर को जरूर करें। इससे आपको जल्द से जल्द क्वेश्चंस पे कमांड होंगे और याद ज़्यादा समय तक रहेगा। एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चंस आपके ट्रेड थ्योरी के न्यूमेरिकल से भी होते हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, अगर आपके ऑनलाइन CVT एग्ज़ाम में 2 से 3 दिन का समय बच जाता है तो आप तैयारी कैसे करेंगे। दोस्तों, उस स्थिति में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, आप मार्केट में कोई अच्छी सी पब्लिकेशन की बुक आप अपने दोस्तों से डिस्कस करके मार्केट से परचेज कर लें और उस बुक में तकरीबन 5,000 क्वेश्चंस के आसपास
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ लें 2 से 3 दिन में। अगर आप 5000 क्वेश्चंस कमांड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका ऑनलाइन एग्जाम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको एक और छोटा सा काम करना होगा जो कि आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस एग्जाम का होगा। आप किसी भी साइबर कैफे में जाके 2 से 3 दिन आप जरूर आप ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस जरूर कर लें ताकि आपको जब CBT एग्जाम देने जाए तो उस समय आपको ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रकार की डाउट ना हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन काफ़ी मिलता है और नई वीडियो बनाने की उम्मीद और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।